ईडी की कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी झूठे केस बनाकर डरा धमकाकर कथित शराब घोटाले में मेरा नाम भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। इनका मुख्य उद्देश्य सरकार को बदनाम करने का है। भाजपा यहां काम नहीं कर पा रही है तो ईडी का अपने अधीनस्थ संगठन की तरह दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि हमें विधि विशेषज्ञों से जानकारी मिली है, एक्सटर्शन और भ्रष्टाचार जैसे शेड्यूल अपराध के जांच ईडी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। बजरंगबली की कृपा किस पर? कांग्रेस पर ही रहेगी, क्योंकि बजरंगबली है अन्यायी अत्याचारी के पर ही कड़ा प्रहार करते हैं। वो गदा है, वो भ्रष्टाचारियों के सिर पे गिरेगा। आज ईडी बारे में सवाल नहीं पूछ रहे हैं क्या? वो ईडी है क्या? मैं तो उसके बारे में पहले बोल चुका हूँ, आखिर विदेश से, विदेशी धरती से भारत में आते कैसे हैं और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सवाल है यार, तुम सांसद या मंत्री, केंद्रीय मंत्री से पूछते, हमसे पूछ रहे हैं? ठीक है, सचिन पायलट ने भी फिर ऊंचा खोल दिया राजस्थान में, तो आपको वहाँ जाना चाहिए भाई, वहाँ के नेता सवाल पूछे। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ ईडी बिना प्रेडिकेट अफेंस के जांच नहीं करती, लेकिन अभी जो जांच ये लोग कर रहे हैं बिना प्रेडिकेट अफेंस के है, ये ईडी के इतिहास में पहली बार है। जो ये कर नहीं सकते लेकिन ये कर रहे हैं, मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और जो ईडी के जो काम कर मतलब उसके जो नियम प्रक्रिया है उसका भी वो पालन नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा ये आरोप है और ये कार्रवाई कर बिना प्रेडिकेट अफेंस के, जैसे अफेंस मान लो किसी थाने में 302 हो गया तो उसमें ईडी जांच नहीं करेगी, लेकिन 420 की कोई FIR है उसमें जांच करेगी। लेकिन अभी जो शराब 2000 करोड़ का घोटाला हो गया उसमें प्रेडिकेट अफेंस कौन सा है भाई? आप बताओ तो बिना प्रेडिकेट अफेंस के कैसे जांच कर रहे हो? लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, रात रात भर जगा रहे हो, परिवार के लोगों को परेशान कर रहे हो। तो ये आप एक निहित उद्देश्य को लेकर कि सरकार को कैसे बदनाम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो शक नहीं कर सकती, सब जान रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता जान रही है कि जो नवंबर में चुनाव होगी कांग्रेस फिर सरकार में आएगी, तो सरकार को किस प्रकार से बदनाम करना है तो उसमें ये लगे हुए हैं। ठीक है सर, इतना बड़ा लीगल अफेंस है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करना बता रहे हैं? हाँ, तो उसको चैलेंज करेंगे, किस तरह का चैलेंज करेंगे भाई? जो प्रभावित हैं वो लोग करेंगे चैलेंज, जो प्रभावित हैं वो लोग करेंगे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी भी जाएगी इसके लिए। पार्टी नहीं जा रही है, जो व्यक्ति है जो प्रभावित हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, पूरे देश की निगाह लगी हुई है कर्नाटक चुनाव पे, और ये है कि एक तरफ खूब पैसा बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों का प्यार है। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगी 13 तारीख, क्योंकि इनके पास लड़ाने के अलावा कोई रास्ता है नहीं है, क्योंकि आदिवासी के लिए इन्होंने कुछ किया तो नहीं है, 15 साल इनको मौका मिला, बस्तर के लोगों के लिए कुछ किया नहीं है, लोग पलायन करने के लिए बाध्य हो गए, कभी आदिवासी पलायन नहीं करते थे, इनके राज्य में पलायन करना शुरू हुआ। हम लोगों ने उसके आदिवासियों के या बस्तर के जो संस्कृति है उसको संरक्षित करने के लिए काम किया, वहाँ के लोगों के आय कैसे वृद्धि हो उसकी व्यवस्था हम लोगों ने की, शिक्षा के स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की, और यही कारण है कि बस्तर में अब अमन चैन लौट रहा है, वहाँ जो शांति वापस आ रही है, लौट रही शांति, तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इनको इनके दामन में भी खून के छींटे हैं और इनको जब तक कि धरती लाल नहीं होती इनको चैन नहीं मिलता, जब तक के भाई दूसरे भाई नहीं लड़ते तब तक उनको चैन नहीं मिलता, तो वो जानबूझ के उकसाने की कोशिश इनको इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इनको जो मैं बार बार कहता हूँ कि इनके पास कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं किसी के लिए, ये केवल एक दूसरे का लड़ाकर ही अपना पार सिद्ध करते हैं। ये जो मेरिट लिस्ट